अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताता चलूं कि ये इंडिकेटर है, इसमें ये वाला बोर्ड लगा हुआ था। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि कस्टमर ने वज़न जो है ज़्यादा इसके ऊपर रखा था। इसकी टोटल कैपेसिटी जो थी 35 kg थी, ये आप देख सकते हैं इसकी टोटल कैपेसिटी 35 kg है, लेकिन कस्टमर ने जो है इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा वज़न यानी तेज़ी से रखा था, या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था, या वो कह रहा था कि बिजली भी यहाँ वहाँ पर गई थी, या बिजली की वजह से हुआ था, या ओवरलोड की वजह से जो है इसका ये मेन बोर्ड जो है इसमें मसला आ गया था। मसला इसमें क्या आ रहा था कि जब इसके ऊपर वज़न हम रखते थे या वज़न ना भी रखा होता था, तो ये तकरीबन 300-400 ग्राम प्लस माइनस कर रहा था। वज़न सेंस करता था, वज़न बिल्कुल यानी सेंस करता था, जैसे 5 kg का डेड वेट रखते थे या 10 kg का डेड वेट रखते थे तो वो हमें बताता था, लेकिन वेट वेरिएशन तकरीबन 200 ग्राम प्लस माइनस ये कर रहा था। तो ये किट जो थी इसमें मसला आ गया था, तो हमने इसकी किट चेंज की थी। इसकी जो हमने किट लगाई है वो मैं आपको दिखाता चलूँगा। उसमें अभी हमने ये वाली किट लगाई है, इसमें ये आप देख सकते हैं, ये एक किट नहीं है, ये तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 किट्स हैं। ये मैं अभी एक तोड़ के आपको दिखाता हूँ, ये किट हमने इसमें लगाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये चौड़ी पिन है, और चौड़ी पिन के ऊपर एक साइड पर जो है ये 4 तकरीबन 8 ये कनेक्ट इसके हैं, और इस साइड पे जो है 10 इसके पीस हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे ये 10 हैं और यहाँ पर ये 8 हैं, और यहाँ इसी तरीके से यहाँ पे जो है ये इसके मैं कनेक्शन भी आपको बता दूँ कि ये जो दो तारे हैं, यानी ये जो दो तारे हैं, एक ये राइट और एक ये लेफ्ट वाली, यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर लगाना है, ये ट्रांसफार्मर की केबल लगानी है यहाँ पर और यहाँ पर, दरमियान में जो है बैटरी का हमने नेगेटिव पॉइंट लगाना है, यहाँ पर हमने ऑन ऑफ स्विच के अंदर से ही एक जगह हमने यहाँ पे प्लस लगा देनी है, यहाँ पर माइनस की केबल लगा देनी है। इसी तरीके से ये जो 4 पॉइंट है ये इसकी एक्सिटेशन, ये इसके लोड सेल के कनेक्शन है, और यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले का है, और ये जो है ये इसके कीबोर्ड का है। तो यानी मैं आपको असल बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बोर्ड है ये थोड़ा चौड़ा है, और क्या कहते हैं, ये बोर्ड का मसला आ गया था, तो इस मॉडल के बोर्ड जो हैं वो मिलते नहीं हैं, तो उसमें ये भी इस लेवल के साथ जो है मैच कर जाता है। तो अब जो है हमने ये इसका बोर्ड चेंज कर दिया है, इस तरह का बोर्ड हमने लगा दिया है। अब मैं इसको ऑन करूँगा और इसका चेक करूँगा कि क्या वज़न हमें सही बता रहा है। अगर वज़न सही नहीं बता रहा होगा तो मैं इसका बोर्ड के लिहाज से आपको कैलिब्रेशन भी बताऊँगा कि ये जो हमने नया बोर्ड लगाया है इसकी कैलिब्रेशन कैसे होगी। ये अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। 6 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है, 30 kg कैपेसिटी है। ये मैं इसके ऊपर 5 kg का डेड वेट रखा है, लेकिन अभी जो है क्योंकि नया बोर्ड लगा है तो अभी ये हमें कुछ भी रीडिंग सही नहीं बता रहा है। तो अभी जो है मैं इसकी कैलिब्रेशन करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूँ कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो कैलिब्रेशन कोड है 3658, उसके बाद टियर 1 टियर, ये इसका कैलिब्रेशन का कोड है। तो अब जो है मैं इसके ऊपर 5 kg का डेड वेट रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 5 kg का डेड वेट मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। अब मैं टियर के बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पर 3 आ गया, 3 के ऊपर मैंने डेड वेट की वैल्यू लिख देनी है। इस टाइम मेरे पास 5 kg है तो मैंने 5 kg प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया है। उसके बाद मैं फिर टियर के बटन को प्रेस करूँगा, 4 आ गया है, यहाँ पर वो टोटल कैपेसिटी मांग रहा है, टोटल कैपेसिटी इसकी 35 kg रख देते हैं, क्योंकि ये कस्टमर के पास जो है नमक की चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा ही उसके ऊपर वज़न रखता है, तो इसलिए हम 30 kg ही रख देते हैं ताकि लोड सेल जल्दी ख़राब ना हो, कम वज़न ही वो करे, 35 kg तक ये ना जाए। तो हमने 30 kg इसकी टोटल कैपेसिटी रख दी है। उसके बाद टियर के बटन को प्रेस करेंगे, 5 आ गया, 5 में इसके ये 3 डेसिमल शो कर रहा है। मैं फिर टियर के बटन को प्रेस करूँगा, ये 6 में 5 आ गया कि 5
इसकी मिनिमम एक्यूरेसी कितनी है वो 2 ग्राम मैं इसकी रख देता हूँ। तो फिर टीयर के बटन को प्रेस करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है, मिनिमम ये 2 ग्राम हमें बता रहा है। तो दोबारा भी रखा है तो फिर भी ये हमें एक्यूरेट बता रहा है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस इंडिकेटर से रिलेटेड या कोई भी जो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग कोई नया स्केल परचेज करना चाहते हैं या अगर आप लोग इस तरीके के बोर्ड वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, आप हमारे से रابطہ करके अच्छी कीमत में ये खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।